हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आयुष्मान कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं, साथ साथ ये बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से इसकी एलिजिबिलिटी यानी आपका नाम उस लिस्ट में है किस प्रकार चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात कर ले फ्रेंड्स इसके फायदे क्या है। तो इसमें 5 लाख के आपको स्वास्थ्य बीमा आपको दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। आपको किसी भी प्रकार की अगर बड़ी बीमारी आपको होती है या आपके परिवार में आएगी तो एक कार्ड पे आपको 5 लाख तक की जो बीमा होगा उसी के थ्रू आपके जो भी हॉस्पिटल में जाएगा वहां पे आपको इलाज कराया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। इसमें कैंसर इत्यादि दिल और इत्यादि बीमारियां शामिल है। तो दोस्तों इसमें चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इसके लिए अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको राशन कार्ड से भी चेक कर सकते हैं और इसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर या नहीं है कुछ भी तो भी अपने अपने नाम से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे। इससे फायदा यह होगा कि जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज निकल के आएगा आपके पास पहुंचेगा फास्ट एंड फ्री। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे। वहां से आपको जितना भी डिटेल्स होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीएम जन आयोग योजना का लिस्ट 2020 यानी हाईलाइट के देखिएगा योजना का नाम दिया है फ्रेंड्स की आयुष्मान भारत योजना और किनके द्वारा शुरू की गई। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। लाभार्थी देश के सभी लोग इसके लिए लाभार्थी हैं यानी सभी इसका लाभ ले सकते हैं। इसका उद्देश्य देखिएगा फ्रेंड्स, उद्देश्य इसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आपको प्रदान किया जाएगा। लिस्ट देखने का तरीका आपको जो ऑनलाइन होगा और इसका ऑफिशियल साइट है देख लीजिए फ्रेंड्स pmj.gov.in। इसके फायदे देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको फायदे आपको इसका दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें फायदे कि आयुष्मान भारत योजना 2020 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सहायता, ठीक है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य बीमा की सहायता प्रदान की जाएगी 5 लाख रुपए। इस स्वास्थ्य बीमा की सहायता से ठीक है फ्रेंड्स, देश के लोग अपनी बीमारियों का इलाज सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क यानी आपका जो अस्पताल में इलाज कराएंगे वो निःशुल्क आपको कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अस्पतालों की संख्या इसमें बताया गया है और साथ साथ देखिए फ्रेंड्स इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा आपको प्रदान किया जाएगा आपको इलाज करने के लिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें बताया गया है नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ट्विटर है, इस ट्विटर के जरिए भी आपको बताया गया है। और यहाँ पे आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स कि आपको जो देखिए बीमारियों की संख्या 1350 बीमारियों का इलाज आपको कराया जाएगा। वहीं देखिए फ्रेंड्स आप में करीब इसमें बहुत सारे अस्पताल होंगे तो हम इसके लिए आपको बताएंगे कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसका लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं आसान तरीके में। दोस्तों ये जनगणना 2011 के जनगणना के अधीन जितने भी व्यक्तियों का लाभार्थी है उनको इस 2011 के जनगणना में जिनका नाम शामिल है उन्हीं का नाम इसमें दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे और वहां से हम आपको सिंपल टाइप करना है फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर में। इसको डेस्कटॉप साइट पे आप कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट करने के बाद सिर्फ आपको सर्च बार में क्लिक करना है और क्या क्लिक करना है फ्रेंड्स देखिए जैसे कि ऑफिशियल साइट बताया गया था तो पीएम जय, ठीक है फ्रेंड्स पीएम जय सिंपल टाइप करके सर्च आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे सर्च आइकन पर क्लिक कीजिएगा फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको दिखाई देगा pmj.gov.in, उसके साथ देगा आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल आपको फर्स्ट वाला जो लिंक ओपन होगा सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सिंपल जो यहाँ 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है 3 डॉट पे आपको क्लिक करके 3 डॉट पे और सिंपल इसको डेस्कटॉप साइट पे आपको कर लेना है। मेरा डेस्कटॉप साइट पे है, ठीक है, उसके बाद आप कट कर देना है। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे आसान भाषा में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स। अब आपको करना क्या है मैं आपको अब बताता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, बहुतों सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुतों सा सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा आई एम एलिजिबल। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कॉर्नर पे दिखाई देगा दाहिने तरफ कॉर्नर पे
कि आई एम एलिजिबल। सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आई एम एलिजिबल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। लॉगिन यहाँ पे मांगेगा, लॉगिन सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से इसको आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो अभी आपके मोबाइल जो है अपने मोबाइल में सिम है, सिंपल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैं वो नंबर आपको फिल कर दूंगा, और नंबर फिल करने के बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा फिल करके जनरेट ओटीपी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर हाइड कर दिया उधर, ठीक है फ्रेंड्स, और कैप्चा मैंने फिल कर लिया। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपल आपको जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आएगा अपने मोबाइल पे, यहाँ पे दिखाई देगा आपका यहाँ लास्ट डिजिट मोबाइल का, और आपके मोबाइल पे एक इस तरह का मैसेज आएगा, यानी मैसेज आपकी ओटीपी आएगा। ओटीपी सिंपल आपको जहाँ ओटीपी का जगह है 6 डिजिट ओटीपी, सिंपल आपको ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सिंपल देखिए फ्रेंड्स यहाँ सबमिट करने से पहले आपको जो चेक मार्क दिख रहा है बॉक्स, सिंपल बॉक्स में चेक मार्क कर देना है, और उसके बाद सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा आप इसके ऑफिशियल साइट पे लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिखेगा इधर आपको बाएं साइड आपको सर्च वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से जिस भी स्टेट से, भारत के जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक सिलेक्ट कैटेगरी आएगा कि आप किस तरह से इसको सर्च करना चाहते हैं। तो सिंपल आपको सिलेक्ट कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सर्च बाय नेम, सर्च बाय HHD नंबर, और सर्च बाय राशन कार्ड नंबर, सर्च बाय मोबाइल नंबर, जो इसमें से आपको आसान लगे आप डाल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नाम से ढूंढ के बताऊँगा HHID कैसे होता है, आपके राशन कार्ड से उसका क्या संबंध है, पूरा मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में। सिंपल अभी हम नाम से आपको ढूंढ के दिखाएंगे, और उसके बाद राशन कार्ड का नंबर आपको दिखाएंगे, हम बताएंगे। चलिए तब सिंपल हम नेम पे आपको क्लिक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेम पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ देखिए फ्रेंड्स आपको पूरा डिटेल्स फिल करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है, और मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नाम फिल करने के बाद चलिए मैं बैक आता हूँ, नाम फिल कर ले रहा हूँ पहले। सिंपल आपको यहाँ अपना नाम फिल कर लेना है, जैसा कि मैं फिल कर रहा हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना नाम फिल कर लिया है, और नाम फिल करने के बाद सिंपल आपको देखिए फादर्स मदर्स आपको छोड़ देना है, और स्पाउस नेम भी आपको छोड़ देना है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फादर्स नेम फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ फिल नहीं करूँगा। आपको समय बचाना है तो फादर्स नेम फिल मत कीजिएगा, सिंपल आपको यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं अपना कैटेगरी चुन लेता हूँ कि मैं मेल हूँ कि फीमेल, तो मेल वाला पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, देखिए फ्रेंड्स मेल के नीचे यानी कैटेगरी के नीचे सिंपल आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप रूलर्स हैं यानी ग्रामीण एरिया से है कि शहरी एरिया से। ग्रामीण वाला ऑप्शन एक नंबर पे, तो मैं ग्रामीण से हूँ तो एक नंबर ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको एक और डिटेल्स इसमें फिल करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा इंटर पिन कोड नंबर, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करके अपना पिन कोड, अपना जो भी पिन कोड हो अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करके, उसके बाद सिंपल आपको खोजे पर जो दिखाई देगा खोजे पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने पिन कोड भर लिया, पूरा डिटेल्स आपके सामने मैंने फिल कर लिया, उसके बाद सिंपल खोजे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही खोजे पे क्लिक कीजिए देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, और हमको मिल जाएगा जितने भी फैमिली हम इसमें होंगे इंक्लूड, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सिंपल आपको फैमिली डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका जो पेज होगा पूरा डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना जो आईडी है, जो आईडी है देख लीजिए फ्रेंड्स ये आईडी है, इसको आप यही है HHD नंबर जो मैंने बताया था, अब HHD नंबर हमारा नाम से निकल गया, तो इस नंबर को आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर हम बैक आते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि HHD नंबर आप कहां से लाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, HHD नंबर कहीं से लाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, और देख लीजिए फ्रेंड्स ये मेरा राशन कार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा राशन कार्ड, अंत्योदय गृहस्थी राशन कार्ड। ठीक है फ्रेंड, राशन कार्ड देख लीजिएगा,
यहाँ पे जो HSD नंबर था पूरा डिटेल्स यहाँ पे सब यहाँ तक ठीक था और लास्ट में भी टोटल ठीक था। बदला था क्या फ्रेंड्स, यहाँ जो 52 के बाद 00 है वहाँ पे सिर्फ आपको 60 हो गया है, यही है HSD नंबर फ्रेंड्स। चलिए मैं राशन कार्ड के जो नंबर है दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर HSD नंबर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं फिर ऑफिशियल पेज के बाहर हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ हम स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे अब HH, ठीक है फ्रेंड्स। HSD नंबर आपको बता दिए हम HSD नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद सिंपल यहाँ पे HSD नंबर आपको फिल करना है। चलिए फ्रेंड्स मैं फिल करके आपको, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अपना HSD नंबर डाल लिया, यानी राशन कार्ड नंबर हम डाला है यहाँ पे। चलिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए राशन कार्ड नंबर डाला है और सिंपल यहाँ पे जो 20 था 40 बीच में ऐड कर दिया, बाकी सब सेम है, ये हो गया हमारा HSD नंबर। उसके बाद सिंपल खोजे पे आप जब क्लिक कीजिएगा फिर वो आपका डिटेल्स शो होने लगेगा। सिंपल आपको एक और हम ट्राई करके दिखा देते हैं, एक और आदमी का है जो मेरे गांव का है, उनका मैं आपको दिखाता हूं आपको कैसे। यहां पे जो 4 डिजिट मैंने सेम रखा है, राशन कार्ड का नंबर सेम होता है, उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बदल के आपको दिखाता हूँ, 62 की जगह दूसरा नंबर डाल के। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो पहले डाला था 62, अब मैं डाल रहा हूँ 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको जैसे ही खोजे पे क्लिक करूंगा, देख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको जितने भी फैमिली का इसमें होगा पूरे फैमिली का ऐड हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, लास्ट पॉइंट आपको करना क्या है। सिंपल आपको जो यहाँ पे फैमिली पे क्लिक करना है और फैमिली पे क्लिक करने के बाद फैमिली डिटेल्स पे आपको करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा। फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप जब स्क्रॉल करके आइएगा नीचे फ्रेंड्स, तो आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स आपको गेट डिटेल्स ऑन SMS, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर सिंपल आपको एक और पॉइंट बता दे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया है वार्ड ID, तो 4x0 जो मैंने बताया था आपको 4 जीरो ऐड करने के लिए, यही 4x0 मैंने आपको ऐड करने के लिए बताया था। सिंपल आपको गेट डिटेल्स ऑन SMS पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा फिल कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने कैप्चा फिल कर दिया, कैप्चा फिल करने के बाद सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको अपने जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक मैसेज आएगा, थैंक यू आ गया, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ऐसे देखिए फ्रेंड्स जैसा कि अभी आ गया PM जय फैमिली कार्ड ऑप्टेन। तो सिंपल आपको जब इस पर क्लिक कीजिएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करके, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके इसको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कहें कि हाँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आज का, यानी मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस PM जय फैमिली कैन ऑप्टेंड कैशलेस ट्रीटमेंट एट एनी, ठीक है फ्रेंड्स, हॉस्पिटल। आप पूरा डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं, HSID यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नाम आपको मिल जाएगा। इस तरह आप अपने परिवार के किसी भी डिटेल्स जो भी फैमिली है उनका राशन कार्ड आप ले लीजिएगा और उससे HSID आप बना सकते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र होगा स्वास्थ्य केंद्र पे आपको जाना है और जाने के बाद आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आपको इस ID के साथ जमा कर देना है, आपका जो गोल्डन कार्ड होगा गोल्डन कार्ड आपको बन के मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपने किसी भी परिवार का जो गोल्डन कार्ड है एलिजिबल है कि नहीं है आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर वहां से रिप्लाई आपको समय लग जाए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां से अपना कमेंट दीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।